पूंछ आतंकी हमले के बाद आज 8 दिन हो गए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। इस समय एडीजी जम्मू और डीजीपी दिलबाग सिंह आप देखिए यहाँ पर दरहाल के एरिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान देखते हुए अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और आपने देखा कि पिछले 8 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है जारी, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। ऐसे में स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद यहाँ पर मौके वारदात मौके पर पहुंचे हैं डीजी दिलबाग सिंह और एडीजी और आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। राजीव, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जिस पहाड़ी इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे इलाके में ही आतंकवादी हमेशा यहाँ पर छुप जाते हैं और एक बड़े हाइड आउट के साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसे जंगलों से ही वो जंगलों की आड़ लेकर ही वो एक बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। जिस तरह से अभी तक खबर आ रही है कि लोकल्स की बहुत सपोर्ट रही, आपने देखा कि जो खबर आ रही थी कि निसार अहमद जो कि मेंढर का रहने वाला है उसने भी इन आतंकियों की मदद की थी। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी जो मदद के अंजाम जो है वो यहाँ पर ये निकला कि इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम मिला। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि निसार अहमद जिसने कि आतंकियों की मदद की थी, 3 महीने उसको पनाह दी थी, उसके बाद अपने घर में खाना भी खिलाया और उसी की मदद के बाद ये सारे जो आतंकी हैं वो उनकी मदद मिली। और इस समय हमारे साथ डीजी दिलबाग सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, लोकल्स की बहुत सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिली थी। इस समय जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और सर्च कर रहे हैं, खुद यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर सर्च का हिस्सा बने हैं आज। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर खुद सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर एक एरिया में स्पॉट पर पहुँच कर एरिया का जायज़ा ले रहे हैं। हालाँकि आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि पिछले 8 दिन से चारों तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे सर्च ऑपरेशन में आपने देखा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान यहाँ से ही ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कितनी पुख्ता तौर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, आपने देखा कि सभी उनसे बात कर रहे हैं, सारे ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 221 के करीब हम लोग सस्पेक्ट अभी तक उठा चुके हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ अभी जो मोटे रूप में कोई आधा दर्जन के करीब की हैं, उसमें ख़ास तौर पे वो लोग जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, उनको साजो सामान दे रहे थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा रहे थे, उस तरह के लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, उनकी पूछताछ जारी है और भी क्ल्यूज तफ्तीश के दौरान मिल रहे हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, इस एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन की जो रैकी करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज़ करना जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउनहिल है बिल्कुल, कल उसका एकदम शार्प टर्न है यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है, उसी आड़ के तहत टेररिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने अंबुश लगाया। अंबुश लगाने के बाद फायरिंग हुई, जवान जो उस वहाँ पर चल रहे थे गाड़ी में उनका नुकसान हुआ, वो जख्मी हुए और उनको जख्मी हालत में जो थे उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी एक रैकी के बाद, एरिया की रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है और लगता है कि उनका कोई नेटवर्क ऐसा होगा जिसके ज़रिए से गाड़ी के चलने की मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की उनको मालूम था और अपनी पोजीशन उन्होंने बारिश के बावजूद भी और उस दिन गड्ढे भी पड़ रहे थे उसके बावजूद भी वो पोजीशन ली और इस तरह का नुकसान वहां पर हुआ। देखिए, एडम की कार्रवाई ड्राई डे और नो ड्राई डे चलती रहती हैं, छोटी मोटी ऑपरेशनल एक्टिविटीज एरिया में जगह जगह पर हमारे कैंप हैं वो चलती रहती हैं, या उसमें रक्की कानवाई के लिए थी या इसके लिए थी, इस तरह की बात अभी तफ्तीश में नहीं सामने आई है। इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में स्टील कोर बुलेट्स के इस्तेमाल किया गया है। करें पूरे पीर पंचार रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ, 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्या मानते हैं कितना टेररिस्ट? देखिए, जहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीने वो एरिया में रहते करते रैकी करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करती हैं जिसमें काफ़ी लोग हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ भी किए, इस तरह के काफ़ी ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आते हुए न्यूट्रलाइज़ हुए, इससे
बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर जब साइटिंग होती है एक जगह दो की तीन की, दो की तीन की, इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि दो से तीन ग्रुप जिनकी तादाद दो से तीन चार हो सकती है वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखेंगे तो मतलब 9 से लेकर के 10-12 तक की तादाद इनकी हम लोग अपने असेसमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि दो तीन जगहों पर साइटिंग इनकी बराबर होती रहती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक तरह की जो मनीशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है, और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया, डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स, और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी के तहत लोकल सपोर्ट की बात आती है, लोकल सपोर्ट होती है तो कितना सतर्क रहना चाहिए? देखिए, लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो इनको पिछले दो तीन महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे, इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया, उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अमनीशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर ये ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहां पर इनको सपोर्ट भी मिलती रहे और इनको स्केप करके जंगल में जा कर के वहां पर रहने की हाइडआउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स अवेलेबल हैं। उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ये जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइड आउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम पे जो जहाँ पर ये रहने की जगह हैं उनको। इसी एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी, उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं, मौके पर ले जा के देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था, मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अमनीशन राशन पानी और बाकी चीज़ें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर, लंबे अरसे से पहले दहशतगर्द रहा है, 90s में ये कोई जहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर यहाँ लश्कर का काम करता था उस वक्त भी उसके OGW का काम करता था, ये पहले से भी हमारी नज़र के नीचे था, इसको पुलिस उठा के दो तीन बार पूछताछ कर चुकी है, हमारी जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था, इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ कॉरोबरेटिंग एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और पूछताछ की बुनियाद पे ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हुई है वो आस्पेक्ट अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इनको रखा कहीं और गया और अटैक किसी और जगह पर जाके किया, तो वहाँ पर इनका कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था इसी मॉड्यूल के तहत हुआ, वो पूछताछ से बातें अभी निकल रही हैं। और इस समय रजौरी के दरहाल इलाके में है जहां पर DGP दिलबाग सिंह ने संक्षेप में बताया कि किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, और आपने देखा कि सर्च ऑपरेशन पिछले 8 दिन से जारी है पुंछ में एक बड़े आतंकी हमले में जहां 5 जवान शहीद हो गए थे, ऐसे में 8 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आपने देखा यहां पर अभी भी चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई हमला हो और उसके बाद सर्च ना हो, क्योंकि जब जब आतंकवादी तरह के हमले करके भाग जाते हैं वो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में छुप जाते हैं, उनकी आड़ में वो और भी अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। राजीव, मैं को कहूंगी कि किस तरह से यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है ये एरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पर जो घर हैं, अगर कोशिश करेंगे हम इस पहाड़ी इलाके की तस्वीरें आपको दिखाने की कि इस पहाड़ी इलाके में जो घर है वो पास पास नहीं होते हैं, बहुत दूरी में घर होते हैं, ऐसे में जो लोकल सपोर्ट होती है इसी तरह से आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर कोई सिक्योर नहीं होती क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में यहाँ पर हर बार सिक्योरिटी के ऑफिसर्स या फिर उनके
जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि आपने देखा कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये एक बहुत एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ पर गाड़ियों की भी आवाजाही बहुत कम होती है। और आप देखिए कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है आतंकी जो है इस सामने जो आप देख रहे हैं बर्फीली पहाड़ें यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब जब कश्मीर में बर्फबारी पड़ती है तो ये यहाँ से क्रॉस करके जम्मू रीजन में घुसते हैं और जम्मू रीजन में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि सर्च ऑपरेशन चारों तरफ जारी है और एक बड़े हाइड आउट को जगह जगह यहाँ पर जो है वो हाइड आउट है। हालांकि दो तीन ग्रुप्स में यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन में आतंकियों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। 8 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे इलाके में आप देखिए कि वो जो सामने घर देख रहे हैं आप, कच्ची सड़कें हैं और कुछ छोटे छोटे घर, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान बने हुए हैं। ऐसे घरों की आड़ लेते हैं यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, सपोर्ट मिलती है उनको। आप तस्वीरों में देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप देखें कि बहुत दूर दूर इलाकों में यहाँ फारफ्लंग एरिया में घर हैं और ऐसे ही घरों में वो छुप जाते हैं। कहीं तो लोकल की पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाती है, कहीं तो कभी तो लोकल जो है लोकल सपोर्ट उनको आतंकियों को खुद मिल जाती है, और कभी क्या होता है कि यहाँ पर लोकल्स को कनपट्टी पर रख कर भी उनकी मदद ली जाती है। आपने देखा कि 1 जनवरी डांगरी में जो एक बड़ा हमला हुआ था और उस हमले के बाद आपने देखा कि कैसे आतंकियों ने लोकल्स की सपोर्ट ली। कहीं वो किसी के घर में कनपट्टी पर बंदूक रख कर उन्होंने खाना मांगा तो कहीं पर उन्होंने गाड़ी भी मांगी, और हालांकि अभी भी वो मिले नहीं है। लेकिन डांगरी और पुंछ के हमले के आतंकी सेम है ऐसा पता चला है, और ये भी बहुत बड़ी खबर है आज की कि डांगरी हमले में और पुंछ हमले में जो आतंकी थे वो एक ही तंजीम से जुड़े हुए थे, हालांकि लोकल्स की बहुत बड़ी सपोर्ट इनको मिली है। आप पीछे मेरे तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं आपको ये साफ दिख रहा है कि ऐसे पहाड़ी इलाके में आतंकियों को आड़ मिलती है और ऐसी आड़ को लेकर लोकल सपोर्ट के बाद वो एक बड़े हमले की फिराक में हमेशा रहते हैं और वो हमला करते हैं और बाद में ऐसे ही एरिया में अपना एरिया चेंज करते हैं और उसी एरिया में जाके एक बड़े हाइड आउट में जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि इन पहाड़ियों में ही सुरंगें खोदना तो उनको पहले से ही आता है। जैसे ही लॉन्चिंग पैड जो है वो पहले ही पाकिस्तान में है, और बड़ी खबर ये भी थी कि ISI ने 5 से 6 कंट्रोल रूम जो है वो LOC पर बनाए हुए हैं, अलग अलग जगह पर उनके कंट्रोल रूम है, और कंट्रोल रूम बनाने का मकसद यही कि कैसे आतंकियों को घुसपैठ करानी है और आतंकियों को घुसपैठ कराने के बाद जम्मू रीजन में एंटर कराना बड़ा मकसद उनका बन चुका है। हालांकि कश्मीर में तो आतंकी हमले आए दिन होते रहते हैं, लेकिन जम्मू रीजन में इस तरह के हमले आए दिन होना कम था, लेकिन आज अब इनकी गिनती भी बढ़ गई है। जनवरी में एक हमला होता है डांगरी में, 7 लोगों की जान चली जाती है, वहां पर भी आईडी ब्लास्ट होता है और फायरिंग सिविलियंस में होती है। अब यहां पर हमला होता है, पुंछ में हमले में 5 जवान है वो शहीद हो जाते हैं। आपको बता दें कि BG में ही 2021 में भी ऐसे ही हमला हुआ था, 3 महीने लग गए थे, उसके बाद आतंकी मिला था और उसको ढेर किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। ऐसे में आप देखिए आज 8 दिन हो गए हैं, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद अभी भी उनका कोई ठिकाना तो नहीं मिला। लेकिन एक एरिया जो कि पुलिस के हाथ चढ़ा है कि जहां पे आतंकियों के छुपे होने की आशंका है, हालांकि आतंकियों के पास एक बड़ा जखीरा होता है हथियारों का जिसको लेकर वो हर जगह नहीं जा सकते, वो अलग अलग जगहों पर एक हाइड आउट बनाते हैं, सुरंग बनाकर वहां पर अपने हथियारों को रख देते हैं और उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। हालांकि जो लोकल सपोर्ट उनको मिलती है, लोकल सपोर्ट मिलने के बाद वो को खाने पीने की चीजों से लेकर बिस्तर से लेके लोकेशन तक मिल जाती हैं, फिर वो मंसूबे अपने बनाते हैं कि कहां हमला करना है। मंसूबे बनाने में भी लोकल्स की बड़ी सपोर्ट रहती है। ऐसे में निसार अहमद जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक बड़ी कामयाबी उसको मिली है, पुलिस को मिली है। निसार अहमद जो कि एक 90 के दौर का एक मिलिटेंट रहा है, OGW रहा है, उसके बाद उसने ये काम करना छोड़ दिया था ऐसा उसने खुद कहा था, लेकिन फिर उसने कुछ सालों के बाद ये काम करना शुरू कर दिया और आतंकियों की मदद की। आतंकियों की मदद उसने ऐसे की कि पहले 3 महीने तक उसको अपने घर में पनाह दी। जिन GB में BG सेक्टर में जिन आतंकियों ने हमला किया, 5 जवान जिसमें शहीद हो गए, निसार अहमद का एक बहुत बड़ा रोल रहा। निसार अहमद जम्मू पुंछ के मेंढर का रहने वाला है और मेंढर कहां 35 किलोमीटर दूर BG है और वहां पर उसने उनकी मदद की है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो पहला हाइड आउट आतंकियों का था वहां पर एक हाइड आउट के पास ही जहां आतंकियों को छुपाया गया था उसके ही करीब बिल्कुल साथ
निसार अहमद का घर था, तो यहाँ तक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निसार अहमद का यहाँ जहाँ पे घर था उसने अपने घर के पास ही जंगल में जो है वो पनाह दी थी आतंकियों को। बहुत बड़ी उसने मदद की है। गिरफ्तारी के बाद उसको उसके अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है, क्या क्या वो उगलेगा, बहुत चीजें सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 8 दिन से सर्च ऑपरेशन तो बेशक चल रहा है, इस सर्च में कितना कुछ और हासिल होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि निसार अहमद ने बहुत कुछ खुद ये भी बताया है कि उसने कैसे उनकी मदद की, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करवाया, खाने पीने की चीजें पहुंचाई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि यहाँ पर लोकल के सपोर्ट के बिना आतंकी किसी भी हमले को अंजाम नहीं दे सकते। और वही बात है कि पिछले 8 दिन से सर्च तो चल रहा है और लेकिन जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों में अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि लोकल की सपोर्ट मिली, उसने सपोर्ट दी, उसने कैसे कैसे आतंकियों की मदद की। और फिर उन्हीं ने उगला कि डांगरी में भी इन्होंने अटैक किया था और डांगरी में आतंकी जो हमला करने वाले थे वो यही थे, क्योंकि डांगरी में जब हमला हुआ था तो हमलावरों ने जगह जगह लोगों के घरों में जाकर कनपट्टी पर बंदूक रख कर खाना भी मांगा और उनसे पनाह भी मांगी, उनसे इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी भी मांगी। हालांकि आतंकी खाली हाथ नहीं आए हैं, आतंकियों के पाकिस्तान घुसपैठ करने के पहले ही ड्रोन के जरिए बड़ा असला यहां पर गिराया जाता है, उनके खाने पीने के लिए उनके लिए कैश भी ड्रोन के जरिए यहां पर पहुंचाई जाती है। और ड्रोन के जरिए अगर यहां पर हथियारों का जखीरा और कैश पहुंचाई जाती है तो जाहिर सी बात है वो कैश और वो जो हथियारों का जखीरा है वो यहां के लोकल जो है वो उनके पास में आता है। पहले हथियार आते हैं, पहले कैश आता है, पहले ड्रग्स आता है ड्रोन के जरिए और फिर आतंकी घुसपैठ करते हैं। आतंकी घुसपैठ करते हैं तो उनकी घुसपैठ के बाद एक प्लानिंग होती है और टोल लेकर एक रैकी करके 3-4 महीने लोकल्स के घर में रह के उनके घर में खाना खाकर उनकी मदद से वो रैकी करते हैं पूरे एरिया की और कोशिश होती है एक बड़े हमले की जो कि वो कर भी देते हैं। हालांकि पहले ही ईद से पहले हमला करने का अलर्ट था और ईद से 2 दिन पहले उन्होंने बीजी में हमला किया भी सेना की गाड़ी में जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, एक बड़े हाइड आउट। और देखा जाएगा डीजीपी दिलबाग सिंह मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि जगह जगह छोटे छोटे हाइड आउट हैं जिनसे हो सकता है एक अभी थोड़े समय के बाद एक बड़ी रिकवरी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज 18 दरहाल।